वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज मैं आपको भविष्यवाणी से पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट में शनि ग्रह से जुड़े कुछ रहस्य हैं जिनका जिक्र आते ही लोगों के मन में एक अजीब सा भय पैदा हो जाता है। माना जाता है कि शनि जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट में हम आपको इससे जुड़ी पूरी कहानी बता रहे हैं। अब आते हैं राशिफल में। सबसे पहले आपकी सभी 12 राशियों का भविष्यफल। राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। साप्ताहिक राशि फल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस भविष्यवाणी को देखकर आप योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब जरूर रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम मेष राशि। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति में विवाद कम होंगे, प्रेम बढ़ेगा, किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से मानसिक सुकून मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, स्वास्थ्य इस माह बेहतर रहेगा और आपकी राशि से लाभ भाव में बकरी होने के कारण बुध धन आगमन में कुछ बाधाएं पैदा करेंगे। इस समय आपको किसी से भी धन उधार भी देंगे तो वह समय पर नहीं मिल पाएगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा भाइयों से मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी, इसीलिए बड़ी कामयाबी के लिए थोड़ा और प्रयास करें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग हैं। आपके लिए उपाय है, आप एक पीले चंदन का टीका नित्य लगाएं। वृषभ राशि वालों का धन का आगमन सुव्यवस्थित होगा। संबंधों को पुनर्जीवन देने में कामयाब होंगे। प्रेम संबंधों में चल रही दूरी भी खत्म होने को है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, खर्च में कमी आएगी, साथ ही धन का आगमन भी सुव्यवस्थित होगा। राशि से कर्म भाव में बकरी बुध कार्य व्यापार में थोड़ी बाधाएं ला सकते हैं। हो सकता है जितना मेहनत करें उतना पारितोषिक आपको ना मिले। उच्चाधिकारियों से संबंधों को बिगड़ने ना दें और भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों का निपटारा होगा। मकान वाहन के क्रय से संबंधित संकल्प भी पूर्ण हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों तथा संबंधियों के द्वारा कोई अप्रिय समाचार मानसिक अशांति दे सकता है। आपके लिए उपाय है, बुधवार के दिन किन्नर के लिए दान करें। दान रुपया पैसा वस्त्र आभूषण किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों को संतान पक्ष की चिंता रहेगी। नौकरी पेशा के पद में वृद्धि होगी, व्यापारियों के कार्य में विस्तार होगा और साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। संतान पक्ष से काफी चिंता रहेगी, खर्च में कमी आएगी और राशि से भाग्य भाव में बकरी हुए बुध धर्म कर्म के मामलों में कुछ उदासीनता ला सकते हैं। फिर भी विदेशी कंपनियों में सर्विस के लिए किया गया आवेदन सफल रहेगा। साहस एवं पराक्रम की वृद्धि भी होगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों की सराहना होगी। विदेशी नागरिकता के लिए किया गया आवेदन कुछ और समय ले सकता। तरक्की के मामलों में थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए अधिक मेहनत करने का समय है।
आपके लिए उपाय है। आप एक सप्ताह तक प्रत्येक दिन हरा चारा एक गुड़ की डली के साथ गाय को खिला। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों का प्रेम संबंध मधुर होगा, मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च करने में मितव्ययता रखें। बेवजह के खर्चे से बचें। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। राशि से अष्टम भाव में बकरी बुध स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगे। चर्म रोग और दवाओं के रिएक्शन से तो बचना ही पड़ेगा। हड्डियों से संबंधित चोटों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में झगड़े विवाद से दूर रहें तो बहुत बेहतर रहेगा। कार्य संपन्न करें और सीधे घर आ जाएं। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें। इन सब के बावजूद आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है और आप किसी महंगी वस्तु का क्रय भी कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप अपने बुजुर्गों की बात माने, अपने गुरुजनों की बात को सिरोधार्य करें। सिंह राशि वाले, आर्थिक परिस्थितियां ठीक रहेंगी। मानसिक रूप से आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। पारिवारिक समस्याओं में जरूर कुछ कमी आएगी, आर्थिक परिस्थितियां ठीक रहेंगी। राशि से सप्तम भाव में बकरी बुध मिला जुला फल देंगे। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। कार्य व्यापार में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। दैनिक व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, किंतु यह अवधि साझा व्यापार करने से बचने की है। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में भी थोड़ा और विलंब हो सकता है। ससुराल पक्ष से मतभेद ना पैदा होने दें। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित पड़े हुए कार्य को कुशल रणनीति के तहत निपटाएं, अन्यथा और भी विलंब होगा। आपके लिए उपाय है, आप हरी मूंग को बुध के दिन किसी अंध विद्यालय में या अनाथालय में दान करें। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में मान सम्मान रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपकी बचत करने की आदत भविष्य में काम आएगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। राशि से शत्रु भाव में गोचर करते हुए बुध गुप्त शत्रुओं की वृद्धि करेंगे। आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को बाहर ही सुलझा लें तो बहुत बेहतर रहेगा। अपनी योजनाओं तथा रणनीतियों को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो सफल रहेंगे। किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा हानि की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। विदेशी कंपनियों में नौकरी तथा नागरिकता के लिए किया गया आवेदन सफल होगा। आपके लिए उपाय है, शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाएं। तुला राशि वाले, तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अभी अधिक धन की आशा ना करें, गति पकड़ लेगा। नौकरी पेशा वालों को मानसिक तनाव रह सकता है। राशि से पंचम भाव में गोचर करते हुए बुध का बकरी होना विद्यार्थियों के लिए एक अलग तरह की चुनौती देगा। जब तक बुध वक्री रहेंगे आपको पढ़ाई में और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। संतान संबंधी चिंता भी परेशान कर सकती है। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग हैं। प्रेम संबंधी मामलों में विवाद उदासीनता ना आने दें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा भाइयों से अपने मतभेद दूर होंगे। आय के साधन बढ़ेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके लिए उपाय है, नित्य प्रति एक सप्ताह तक शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल में चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन सतर्क भी रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम भी रह सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आर्थिक लाभ होने के साथ साथ अभी कहीं निवेश करने का सही वक्त नहीं है। राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए
बुध सामान्य फलदायक ही रहेंगे, क्योंकि इस भाव में ये वैसे भी उदासीन ही रहते हैं। पारिवारिक कलह एवं मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। मकान अथवा वाहन का क्रय भी करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, सामान चोरी होने से बचाएं, अपने सामान के प्रति सतर्कता बरतें और अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करें। आपके लिए उपाय है, हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक शनिवार और मंगलवार को चौमुखा दीपक जलाएं। धनु राशि वाले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कोई भी परिस्थिति आए, अपने क्रोध को फिर भी नियंत्रित रखकर व्यापार व्यवसाय के लिए समय संभल कर चलने का है, लेकिन भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की शुरुआत करें। राशि से पराक्रम भाव में बकरी बुध का प्रभाव काफी मिला जुला रहेगा। यद्यपि अपने साहस और पराक्रम के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, किंतु कई बार आलस्य की अधिकता रहेगी जो नुकसान दे सकती है। इसके प्रति चिंतनशील रहें। भाइयों से मतभेद ना पैदा होने दें। धर्म कर्म में गहरी रुचि रहेगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और विदेशी कंपनियों में सर्विस के लिए आवेदन करना या विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन करना सफल रहेगा। आपके लिए उपाय है, शनि मंदिर में शनि का तैलाभिषेक करें। मकर राशि वाले नौकरी पेशा भी मानसिक सुकून महसूस करेंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर ज्यादा रहेंगे और धन का आगमन सामान्य रूप से होता रहेगा। राशि से धन भाव में बकरी हुए बुध आपकी भाषा शैली में कठोरता ला सकते हैं। अपनी जिद एवं आवेश को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो पूर्णता सफल रहेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। मकान अथवा वाहन का क्रय भी करना चाह रहे हों तो संकल्प पूर्ण होगा। काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। गुप्त शत्रुओं से बचें और कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो समझदारी होगी। परिवार में अलगाववाद की स्थिति ना आने दें। आपके लिए उपाय है, आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। कुंभ राशि संपत्ति संबंधी कार्यों का निपटारा अटका रहेगा। पैसों की बचत करने की आदत डालें। वर्तमान में कहीं भी निवेश ना करें। किसी करीबी मित्र से धोखा मिल सकता है। संपत्ति संबंधी कार्यों में निपटारा मुकदमा वो अटके रहेंगे। आपकी राशि में बकरी हुए बुध कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करेंगे। हो सकता है पारिवारिक कुछ कलह का भी सामना करना पड़े, किंतु इसे ग्रह योग समझकर बहने ना दें। कार्य बाधाएं भी आएंगी, लेकिन कुछ काल के बाद स्वतः हल होती चली जाएंगी। विद्यार्थियों अथवा प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए बकरी बुध अनुकूल परिणाम दिलाने वाले रहेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह करना चाह रहे हो तो अवसर अनुकूल है और नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति का योग है। आपके लिए उपाय है, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन मीन राशि वालों का खासकर दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। कुछ अच्छे काम होंगे जो मन को प्रसन्नता देंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिजनों में सामंजस्य बना रहेगा। खासकर दांपत्य जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। राशि से हानि भाव में गोचर करते हुए बुध अत्यधिक भागदौड़ और खर्च का सामना करवाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक मंदी भी आ सकती है। सावधान रहें, विवाह संबंधित वार्ता में थोड़ा और विलंब हो सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित पड़े कार्य कुछ परेशानी के बाद हल होंगे। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। विदेशी नागरिकता के लिए किया गया आवेदन भी सफल होगा। झगड़े और विवाद से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझाएं तो बहुत समझदारी होगी। आपके लिए उपाय है, आप एक हल्दी की गांठ अपनी जेब में हमेशा रखें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होते हैं अगले हफ्ते
साप्ताहिक राशि फल के साथ।